मुंबई के बोतल बंद अवैध पानी बेचने वाले 23 लोग गिरफ्तार, देश भर में 800 लोगों की गिरफ्तारी। देश के रेलवे स्टेशन पर धड़ल्ले से चल रहा है अवैध बोतल बंद पानी का कारोबार। कई जगहों पर पुराने बोतल में कहीं से पानी भरकर दोबारा सील लगाने की शिकायत। आरपीएफ ने अवैध पानी को पकड़ने के लिए चलाई मुहिम। तो इस अवैध कारोबार में हॉकर्स, इलीगल हॉकर्स, कैंटीन वालों से लेकर पेंट्री कार के मैनेजर भी शामिल मिले। आरपीएफ ने मुंबई में कार्रवाई करते हुए 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबस्टैंडर्ड बॉटल्स वगैरह रेलवे में बेचता है और ये ऑथराइज्ड एजेंसी है, अनऑथराइज्ड आदमी लोग भी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को लगातार शिकायत मिल रही थी कि धड़ल्ले से रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अवैध पानी बेचा जा रहा है, जबकि रेलवे में प्राथमिक तौर पर नीर बिकता है और अगर कम पड़ता है तो रेलवे दूसरे अच्छे ब्रांड के परमिशन देती है, लेकिन मुनाफाखोरी के लिए कैंटीन वाले हॉकर्स लोकल पानी चोरी से बेचकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। एक वायरल वीडियो में तो एक बच्चा पानी का पुराना बोतल सील करते दिख रहा है, लेकिन यह वीडियो कहाँ का है यह अभी तक पता नहीं चल रहा है। यह जरूर पता चला है कि वीडियो मुंबई का नहीं है। बोर्ड से आदेश मिला हमको 2 दिन का स्पेशल ड्राइव चलाने के लिए। हमारा टारगेट था लाइसेंसीज और अनऑथराइज्ड आदमी दोनों को। ऑपरेशन थ्रिस्ट अभियान के तहत स्पेशल टीम बनाकर आरपीएफ के तमाम स्टेशनों के हॉकर्स और स्टॉल पर रेड की। रेड के दौरान तमाम स्टेशन पर अवैध पानी मिला जिसको स्टेशन पर बेचने की परमिशन नहीं थी। साथ ही वो पानी की बोतलें भी थी जिन्हें यूजलेस बोतल में पानी भरकर बेचा जा रहा था। कुल मिलाकर 801 लोगों को अवैध पानी बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत 144 और 143 के तहत 732 केस दर्ज किए गए हैं और गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 48,860 पानी के अवैध बोतल बरामद किए हैं।